हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग डेली रात में 8 बजे अपनी बिल्कुल से कंप्लीट कोर्स करवाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बंगाल के कलाकार वगैरह, जितने भी आपके कलाकार हैं। ठीक है, तो सभी को हम आराम से देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले भी काफ़ी सारे कलाकार हो चुके हैं, जिसने ना पढ़े हों तो आप एक काम करिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, और उस प्लेलिस्ट का जो नाम है कंप्लीट कोर्स A to Z के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। ठीक है, इसके पहले हमने काफ़ी सारे कलाकार कंप्लीट कर लिए हैं, आज जो हमें पढ़ना है वो है यामिनी रॉय के बारे में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों को गुड इवनिंग वगैरह सब कुछ है। अब ये सब जो है हमने कल पढ़ लिया था नंदलाल, आज हमें यामिनी रॉय के बारे में स्टार्ट करना है। तो चलिए, क्या दे रहा है यामिनी रॉय के बारे में पहला पॉइंट। यामिनी रॉय का जो जन्म है कब होता है, 1887 ईस्वी में होता है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलिया तोड़ गांव में होता है। याद रखना है यामिनी रॉय का जन्म कब होता है, 1887 में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलिया तोड़ गांव में होता है। ठीक है, सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए अच्छे से दिमाग में चढ़ाते हुए चलिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, यामिनी रॉय जो है ना, ये जन्म से ही लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित थी। किस पर, लोक कला के स्रोतों पर आकर्षित थी। और यामिनी रॉय की शिक्षा जो है ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ पर, कोलकाता से हुई थी। याद रखना है सब कुछ। ठीक है, यामिनी रॉय का जन्म 1887 पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलिया तोड़ गाँव में, और ये लोक कला के स्रोतों से सबसे ज़्यादा फेमस, मतलब आकर्षित थी। और इनकी जो शिक्षा हुई है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे बोल रहे हैं कि यामिनी रॉय ने अकादमिक पद्धति और शास्त्रीय पद्धति और तैल चित्रण की जो टेक्निक है सीखी थी। किसने, यामिनी रॉय ने। और फिर बोल रहे हैं कि यामिनी रंजन रॉय ने कोलकाता, मतलब कलकत्ता में यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति और तैल माध्यम में भी कार्य किया है। कहाँ पर, कलकत्ता में किया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा शोर हो रहा होगा क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कारखाना है, तो यहाँ पर डे एंड नाइट दोनों दोनों पर मतलब काम चालू रहता है। तो यहाँ पर हम चाहे सुबह पढ़ाएं आपको चाहे रात में पढ़ाएं तो कारखाने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिए और बाकी चलिए पढ़ते हैं। तो यामिनी रंजन रॉय ने जो है ना, ये कलकत्ता में यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति तथा तैल माध्यम में इन्होंने काम किया है। फिर बोल रहा है कि साथ ही अनावृत्ताओं का रेखांकन एवं प्रभावशाली शैली में दृश्यांकन भी किया गया है। और अध्ययन के उपरांत यामिनी रॉय व्यावसायिक चित्रकार के रूप में लिथोग्राफी के छापे काने में ये काम करने लगी थी। किसमें, व्यावसायिक चित्रकार के रूप में लिथोग्राफी के छापे खाने के कार्य के रूप में। ठीक है, आगे यामिनी रॉय जो है ये व्यक्ति चित्रण में तो कुशल थे ही, और साथ में कोलकाता में वे एक उत्तम शबीहकार के रूप में विख्यात हो गए थे। ठीक है, याद रखना है उत्तम शबीहकार के रूप में ये फेमस हो गए थे। आगे यामिनी रंजन रॉय जो हैं ये अवनींद्रनाथ और टैगोर के संपर्क में आने पर कुछ समय बंगाल शैली में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, आगे इसके पश्चात यामिनी रॉय पर कालीघाट की पट्टचित्र शैली का भी प्रभाव पड़ता है। तो यामिनी रॉय पर किसका किसका प्रभाव देखने को मिलता है, कालीघाट की पट्टचित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और कालीघाट शैली में जो है ना, ये सपाट भूरे अथवा स्लेटी धरातलों पर कागज की गहरी तथा सशक्त रेखाओं द्वारा चित्रण किया जाता है। याद रखना है कालीघाट शैली में कैसे कैसे होते हैं, तो इसमें सपाट भूरे अथवा स्लेटी धरातलों पर कागज की गहरी तथा सशक्त रेखाओं द्वारा चित्रण किया जाता है। ये चीज दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। संथाल स्त्रियां और माँ और शिशु
ये जो है ना, ये किसकी कृतियां हैं? याद रखना है, यामिनी राय की कृतियां हैं। और यामिनी रंजन रॉय जो है, ये कालीघाट पटचित्रों की शैली के बाद बांग्ला की, याद रखना है, बांग्ला की लोक कला के अन्य क्षेत्रों बांकुरा और हुगली से प्रेरणा लेना इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यामिनी रॉय ने लोक कला की रंग योजनाओं में कुछ नए रंगों को बढ़ाकर इन्हें भी समृद्ध किया था। और देख लेते हैं आगे। आगे है, यामिनी राय ने लोक कला की परंपराओं से प्रेरित होकर एक विशिष्ट शैली का विकास किया, जिसमें कुंडलित चित्र, कालीघाट के चित्र, पूजा की मूर्तियाँ, खिलौने, गुड़िया आदि में ताजगी, ऋजुता व शक्ति के कलात्मक गुणों के साथ कांथा व अल्पना कला के गुणों को भी संश्लेषित किया था इन्होंने। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। और इसमें दे रहा है कि इस अवधि में यामिनी राय ने रामायण, इम्पॉर्टेंट है, और कृष्ण लीला का भी चित्रण किया है। किसने? यामिनी राय की बात हो रही है। आगे देखते हैं। यामिनी राय के चित्रों में एक चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं और एक ही रेखा में माथे और नाक का अंकन और लाल पृष्ठिका तथा चमकदार शुद्ध रंगों की विशेषताएं भी झलकती हैं। किनके चित्रों में? यामिनी राय के। ठीक है, आगे। यामिनी रंजन रॉय की कला पर 18वीं और 19वीं शताब्दी में चित्रित पांडुलिपियों के आवरण जो हैं, ये चित्रों की शैली भी प्रभावित दिखती है। और यामिनी राय को उड़ीसा के पटचित्रों के छोटे छोटे क्षेत्रों में संयोजन पद्धति में भी प्रभावित किया गया है। आगे, यामिनी रंजन रॉय ने ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए हैं और यामिनी रंजन रॉय ने धरातलीय वयन मतलब टेक्सचर के संबंध में प्रयोग किए हैं और यामिनी राय ने कागज, गत्ता, कपड़ा और बर्तनों पर भी चित्रकारी की है। याद रखना है, किस कौन कर रहे हैं? ये यामिनी रॉय। आगे, यामिनी राय ने जल रंगों, क्रेयॉन और टेम्परा से ही अधिकांश चित्र किए हैं। ठीक है, आगे। भारत विभाजन के पश्चात यामिनी राय जो है, ये दिल्ली चले गए और यहाँ पर इन्होंने शिल्पी चक्र का सूत्रपात किया। इस पर स्टार लगाइए, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, यामिनी रॉय को सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। किसको? यामिनी रॉय को। कब? 1955 में। याद रखना है, पद्म भूषण है। ठीक है, आगे ये देखिए, चित्र बना हुआ है, रावण जटायु युद्ध इसमें दिखाया गया है और माध्यम बात की जाए तो टेम्परा है और बनाने वाले कौन हैं? तो ये हैं यामिनी रंजन रॉय। आगे देखते हैं, आगे दे रहा है लास्ट पॉइंट। यामिनी रॉय के प्रमुख चित्रों में बहुत पूछा जाता है, मदर एंड चाइल्ड और सीता की अग्नि परीक्षा, कृष्ण एंड यशोदा, लेडी इन पिंक साड़ी, थ्री वूमेन, डांसिंग गोपी, ब्राइड एंड टू कंपेनियंस, क्वीन ऑन हॉर्स, रावण सीता और जटायु, टू कैट्स होल्डिंग अ लार्ज प्रॉन, कैट एंड लॉबस्टर। तो ये जितने भी आपको चित्र देखने को मिल रहे हैं ना, ये सभी आपके यामिनी राय के बनाए हुए चित्र हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चित्र हैं आप लोग बिल्कुल से रट लीजिए और जितने भी पॉइंट बन सकते थे, इम्पॉर्टेंट थे, वो हमने आपको करवा दिए हैं। बाकी इसके अलावा जो पॉइंट हैं आपके हैंड रिटन में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो आपके हैंड रिटन में कंप्लीट हो रहे हैं और जैसे ही यूथ का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है उसके बाद आपको हैंड रिटन क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो है, आपका करंट की क्लास भी हमने चालू कर दी है, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। और चितेरा को तो आप देख ही रहे हैं, संडे टू संडे चल रही है ना। बाकी यूथ भी आपका साथ में चल रहा है और यहाँ कंप्लीट कोर्स हो रहा है, तो मतलब आप लोग देख रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं चल रहे हैं, सब कुछ लेते हुए चल रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, हम कोई भी अपना वीक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए और हम लोग ना कर पाएँ। ठीक है, इसलिए सभी को डेली जुड़ना है, डेली 7 बजे और 8 बजे। ठीक है, चाहे वो संडे हो, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, बाय चांस कभी हो जाता है कि क्लास नहीं कर पाते हैं, ठीक है,
कभी जैसे बाहर जाना पड़ा, अचानक से कोई काम हो गया तो क्लास नहीं होती है, वरना आपकी डेली क्लास होती है 7 बजे भी 8 बजे भी, ठीक है। तो आपको दोनों टाइम जोड़ना है, किसी भी टाइम आपको, ठीक है। चलिए चलिए अब क्लास को करते हैं ऑफ और धुआं धुआं करने की जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। आपको सभी जगह इस क्लास को फैला देना है बिल्कुल से, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को करते हैं ऑफ, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट सभी लोगों को। चलिए।